इतनी नफरत फैला दो उनके वर्करों में कि वो उन दोनों से शदीद नफरत करने लगे और उनकी फैक्ट्री में काम बंद हो जाए। फरीदा आप ठीक है? सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। क्या? रुहान की तरफ गए थे आप? क्यों? आपको जाना चाहिए था। हिम्मत ही नहीं हुई। रुहान की सूरत में मुझे फरीद भाई की शक्ल नजर आती है। सोचता हूं कि ऐसा ना हो कि मुझे टूटता हुआ देखकर वो मस्जिद में घर जाए। खुद को मजबूत कीजिए ऐसन, अब आपने ही उसके सर पर हाथ रखना है। चचा के बजाय बाप बनकर उसका हौसला बढ़ाना है। जिस मुश्किल वक्त से वो गुजर रहा है उसे किसी बड़े के सहारे की जरूरत है। अगर आप भी पीछे हट गए तो वो हिम्मत हार जाएगा। हानिया बता रही थी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है और हिम्मत हार बैठा है। कभी हिम्मत नहीं हारेगा, बहुत मजबूत है वो। तुम देखना, इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकल आएगा वो। आपका साथ उसे मजीद मजबूत बनाएगा। कल वो हमारे साथ खड़ा था जब हमें बेटे की जरूरत थी। आज आपको उसके साथ खड़ा होना है जब उसे बाप की जरूरत है। मैं हमेशा उसके साथ हूं। मैं कभी उसका साथ छोड़ ही नहीं सकता। मुझे यकीन है कि वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी अगर मैंने ये महसूस किया तो मैं उसे कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। आज, कल, जब जब उसे मेरी जरूरत होगी मैं उसके साथ ही हूं। रोहान आ जाए, खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। हानिया, मैंने कह दिया ना मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ताई अम्मी ने भी कल से कुछ नहीं खाया। रोहान, माना कि आप दोनों का दुख बहुत बड़ा,
लेकिन यूँ जिंदगी से कट के जिंदगी तो नहीं गुजारी जाती ना। दिल का दर्द दिल में होता है, लेकिन दुनिया वालों के साथ तो हंसना पड़ता, जीना पड़ता, वरना जिंदगी बोझ बन जाती है। आपको अब खुद से ज्यादा ताई अम्मी का ख्याल रखना है, उनको आगे बढ़ने में आपकी जरूरत है। उन्होंने कल से अपने आप को कमरे में बंद कर रखा। हमारे घर को कहां गई हमारे घर की खुशियां? पहले हमारे घर की खुशियां रुखसत हुई, फिर इतनी मुसीबतें आई, और अब फरीद जी अकेला छोड़ के चले गए। क्यों, कितना बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, है ना? क्यों किया उन्होंने ऐसा? हाँ, बुरा किया, लेकिन उनकी मर्जी तो नहीं होगी ना हमें इस तरह छोड़ना। ये फैसले तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसमें हमारा तो कोई इख्तियार नहीं होता है। मम्मी, अब हम दोनों के पास हम ही दोनों है ना, है ना? हम सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा चले, कुछ खा लीजिए, बहुत दिनों से आपने खाया नहीं ना। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे नहीं, छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अम्मी देखिए, अम्मी आपको चलना पड़ेगा। क्यों, फरीद अकेला छोड़ के चला गया, सब चले जाए मुझे अकेला छोड़ के क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मेरी बात को समझिए प्लीज, देखिए चलिए, आपने कुछ नहीं खाया ना कितने दिनों से, प्लीज आ जाइए। कैसे जीऊंगी, मुझे तो आपकी जरूरत है ना। मैं तो उन्हें खो चुका हूं, मेरे पास तो सिर्फ अब बाप है, वो भी मेरा सहारा है। मुझे आपकी जरूरत है। हाँ बेटा, तुम्हें मेरी जरूरत है अभी। डेढ़ सौ का है बाजी। आप आधा किलो कर दें। अनार भी करते हैं आधा किलो। बहुत अफसोस हुआ अंकल की इतनी जल्दी वफात का समय। एक किलो अंगूर भी कर दो। भाई मुझे तो अंदाजा भी नहीं था
कि अंकल इस नुकसान का इतना प्रेशर ले लेंगे। भले आदमी तो थे ना वो। क्या बात है, आज मुझे देखकर भाग नहीं रही, मेरी शक्ल देखकर नफरत नहीं हो रही तुम्हें, उस रात की तरह चीख नहीं रही, चिल्ला नहीं रही। जानती हो ना कितना नुकसान उठाना पड़ा तुम्हें उसके बाद? मतलब तुम्हारे सीने में लगी आग बुझ क्यों नहीं रही? क्या चाहिए तुम्हें? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? अगर तुमने मेरी बात मान ली होती, यही सवाल मुझसे पहले पूछ लिया होता, तो आज इतना नुकसान ना उठाना पड़ता तुम्हें। अगर मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारे घर के हालात भी ठीक होते। फैक्ट्री में अंकल, तुम इंसान नहीं, तुम हैवान हो। उनका क्या कसूर था? कुछ नहीं, अक्सर गुनहगारों की जान में बेगुनाह ही मारे जाते हैं। खैर ये तो बहुत पुरानी बात है, इसके बारे में क्या सोचा? तुम बचोगे नहीं, मैं रोहान को भी बताऊंगी और पुलिस को भी। जिसको बताना है बता दो, लेकिन एक बात याद रखना कि नुकसान फिर भी तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। फिर से मैं अपना घर, अपने रिश्तेदार, सब कुछ तो गवा चुकी हूं, इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा? लेकिन तुम अपने इबरतनाक अंजाम पर जरूर पहुंचोगे। मैं काम करती हूँ जो बाकी प्रोडक्शन है वो देख लूँ तुम्हारे पास। एक्स आनिया, बोलो क्या है? आनिया मैं इस वक्त काफ़ी टेंस हूँ यार, काफ़ी काम लगा हुआ है, बहुत काम, अभी नहीं बात कर सकता मैं। जब घर में आता हूँ, जब मैं घर आऊँगा फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। अगले महीने को बताओ। कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? मैं वो जरा असद साहब है ना, उनके भाई का बाईपास हुआ है तो उसकी खबर लेने के लिए जा रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कि आगे बुरहान के दफ्तर भी चक्कर लगा लूँ। हाँ घर से भी हो लीजिएगा और हानिया का हाल भी पूछ लीजिएगा। नहीं कल तुम्हारी बात हो तो रही थी उससे, सब ठीक है ना? अरे बात करने में और मिलने में बहुत फर्क है, बस थोड़ी देर के लिए चले जाइएगा, बात कर लीजिएगा। अच्छा चलो देखता हूँ। लो माशाल्लाह कितनी उम्र है। अरे बेटा क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है ना, ठीक तो हो? मैं जुनेद से मिली। जुनेद से? कहाँ मिला वो तुम्हें? और उससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? बेटा तुम्हें कितनी दफा मना किया घर में से अकेले मत निकला। एक मिनट बाबा, उसे बात तो मुकम्मल करने दो, सवालात की बौछाड़ कर दी। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ? वो जुनेद ने मुझे खुद बताया कि फैक्ट्री में आग उसने खुद लगवाई है। मुझे पहले ही शक था कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, और मैं इतनी खौफनाक आग अचानक कैसे भड़क सकती हूँ।
अबू आप अंकल काजिम से कहें कि उसे गिरफ्तार करवाए, क्योंकि हम मुजरिम हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ बेटा हाँ, तुम आओ बैठो। आप काजिम से बात करें। पानी वानी ले। हाँ मैं लेकर आती। बैठो बेटा। जुनेद कहाँ है? आइए आइए, बड़े अरसे के बाद मेहमान आए हमारे यहाँ। हम बैठिए, तशरीफ रखिए। आजम साहब, जुनेद कहाँ है? आ जाएगा, जुनेद भी आ जाएगा। और आज तो हमारी बेटी भी घर आ गई है। आप आए ना, तशरीफ रखिए। तलाशी लो जाके। वो चूहा नहीं है जो इस तरह से छुपता फिरेगा और आप लोगों को भेजेंगे उसे तलाश करने के लिए। वो मेरी एक आवाज पे आ जाएगा। पर काजिम साहब, क्या बात है? अब क्या इल्जाम लगा लिया आपने मेरे बेटे पर? जुनेद और उसके साथियों ने फैक्ट्री पर हमला किया। क्या? मैंने? आग? हाँ तुमने, तुमने आग लगाई है। कई लोग मर गए, करोड़ों का नुकसान हो गया। डैड को जेल भी ले गए थे। एक मिनट। मैंने आग लगाई है, कोई ना कोई सबूत तो होगा ना आप लोगों के पास? कोई गवाह कुछ तो होगा? सबूत तुम खुद हो। आनिया ने बताया कि तुमने खुद इससे कहा कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैं तो हानिया से मिला तक नहीं, तो बात क्या करूंगा इससे? झूठ मत बोलो। तुम आज सुबह मुझे खुद ही ये बताने आए थे कि तुमने ये सब कुछ मेरे से बदला लेने के लिए किया है। मैं तुमसे मिला कब? मेरा तुम्हारा रिश्ता तक नहीं है, बात क्या करूंगा तुमसे? क्या आप लोग इसकी बात में आ जाते हैं? क्या हो गया हानिया तुम्हें? ये झूठ बोल रही है, बदला लेना चाहती है मुझसे, इसीलिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। ये बकवास कर रहे हो तुम, मेरी बेटी झूठ नहीं कह सकती। लेकिन मैं तो सच कह रहा हूं आपसे। इसने यहां से जाने से पहले आखिरी बार मुझे खुद कहा था कि ये मुझसे एक एक चीज का बदला लेगी। रोहान ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पे यकीन ना करो। तुमने मुझसे खुद कहा था कि बस कर दो आनिया, अकल करो कुछ। सबका तमाशा बना के रख दिया तुमने। ना सबूत ना कुछ, बैरस करती हो बार बार अपने घर वालों को और पुलिस को भी। अब सिर्फ एक बात पे तो आप गिरफ्तार कर नहीं सकते, जबकि कोई सबूत भी ना। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है। और वैसे भी अब मेरे बेटे का इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे क्यों मिलेगा? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो क्यों और किस लिए मिलेगा। गिरफ्तारी से पहले आपको सबूत चाहिए ना? मैं ढूंढ निकालूंगा, पर फांसे के फंदे पे भी ये चढ़ेगा, जरूर चढ़ेगा। आई थिंक वी आर डन हियर। चलो बेटा। बात सुनो, क्या था ये सब कुछ? क्या कहा उस लड़की ने? तुम बाज नहीं आओ, क्यों आग से खेल रहे हो? रोहान आप कहाँ जा रहे हैं? रोहान मेरी बात सुने। रोहान मेरी बात तो सुने। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था। वो मुझे फंसा रहे, वो मेरा, मैं उससे बदला लेना नहीं चाहती। मेरा ना कोई जुनेद से ताल्लुक है। रोहान मेरी बात सुने, वो झूठ बोल रहा है। रोहान मेरी बात सुने। मैं एक सेकंड तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। आप चलो निकलो मेरे घर से, चलो निकलो मेरे घर से। मनोज
प्रेशर चेक कर। मैं हमें मजदूरों को फी कस 5 लाख और गरीबों को 2.5 लाख अदा करना है, वरना फैक्ट्री को ताला लगा दिया जाएगा और रकम नीलामी से अदा की जाएगी। क्या जरूरत थी तुम्हें बेटा? सुन रहे हो तो मेरी बात, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? तुम जानते भी हो ये सब कितना खतरनाक है। काजिम को तो पहले ही शक हो गया था, अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो यकीनन कोई सबूत ढूंढ के तुम्हें फिर से जेल पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम्हें एहसास है बेटा हम कितने परेशान थे, किस मुश्किलों से हमने तुम्हें जेल से आजाद कराया, क्या बीती हम पर, और अब फिर तुम। बेटा मेरी मानो, उसे भूल जाओ। बेटा देखो, जो बदला लेना था वो तुम ले चुके हो, अब तुम उसी आग में अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या करूं, कैसे उसे उसकी जिंदगी में खुश रहने दे सकता हूं मैं? देखो अगर तुम माजी में जीते रहोगे ना तो सिवाय पछतावे के और जलन के कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। आपको याद है मां, बचपन में मैं अपना खिलौना किसी और के हाथ में आने नहीं देता था, उसे खेलकर खुद उसे अपने हाथों से तोड़कर फेंक दिया करता था। याद है मुझे। तो फिर आप ये कैसे भूल सकती हैं कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खिलौना खुद तोड़े बगैर किसी और के हाथ में दे दूं? अगर वो मेरे पास नहीं है तो किसी और के पास भी सही सलामत नहीं रह सकती। ठीक है खबर जाओ आप। जी सर। आप समझते हैं कि जुनैद ने जो कुछ कहा है वो सच है? हो भी सकता है अंकल। फिर उसने ये सब कुछ जानबूझ कर किया? अंकल अभी फिलहाल इस वक्त कुछ कहना बहुत जल्दी होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ लेकिन उसकी बात ने ये जाहिर जरूर कर दिया है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। यकीनन है, और इस सारी गड़बड़ के पीछे जुनैद ही हो सकता है, वरना कौन किसी की जान लेने के दर पे हो? और फरीद भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जुनैद ही है जो हानिया की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, जिसने ये फैसला कर लिया है कि वो रूहान को परेशान करेगा। ठीक कह रहे हैं आप, मगर ये भी हो सकता है। अगर आप मानते हैं तो आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अंकल बिना सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, वो फिर 2 दिन में बाहर आ जाएगा। सबूत ढूंढिए ना, आप ढूंढेंगे तो सबूत जरूर मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि उसने कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। मैंने आपसे कहा ना कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आप प्लीज हौसला रखें, हमें कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा उसके खिलाफ। ऐसे शख्स को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, इतनी सारी जिंदगी ले ली उसने, वो हम सब का दुश्मन है, इस माशरे का दुश्मन है। मैं सब समझता हूं और मैं आपके जज्बात को भी समझता हूं, आप हौसला रखें, उसके खिलाफ सबूत मिल जाएगा तो वो बच नहीं पाएगा। चाय पियेंगे आप? चाय मंगवाओ। नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ?
पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को, सब कुछ बिगड़ गया है। क्या सोचा था और क्या हो गया है? पता है सायरा, किसी की नजर नहीं लगी है। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है जिसको शादी करके तुम इस घर में लेकर आई हो। देखा नहीं तुम्हारे घर के हालात किस कदर बदल गए, कितनी कमजोर हो गई हो तुम, किसकी वजह से? हानिया। हाँ, वही तो लानत है इस घर में। उसी के मनहूस कदम तुम्हारे शौहर की जिंदगी और तुम्हारे घर की खुशियों को खा गए। जब वो इस घर में नहीं आई थी तो तुम्हारा घर खुशियों से भरा हुआ था, फरीद भी जिंदा थे। लेकिन जब से इस घर में आई है ये खुशियां इस घर से रूठ गई। तुमने अपने शौहर को लूज कर दिया। इस शादी से पहले तो तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? और फैक्ट्री में आग, मुझे तो ये भी एक साजिश का नतीजा लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस घटिया खानदान से इसका पहले ताल्लुक था ना, वही लोग अपनी दुश्मनी में तुम लोगों को तबाह करना चाहते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, हानिया ही सब तबाही की वजह है। उसी की वजह से हमारी ये दुश्मनियां शुरू हुई है और मेरा घर बिखर गया है, मेरा शौहर मर गया है। वही है सब मुसीबत की वजह है। अब वो मेरे घर में नहीं रह सकती। और नहीं तो क्या, तुम अपना शौहर तो खो चुकी हो, लेकिन अगर अपने बेटे की सलामती चाहती हो ना, तो पहली फुर्सत में इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। ठीक कह रही हो जहरा, मेरे बेटे की तो जान खतरे में है। लड़की इस घर में नहीं रह सकती। मेरे रूहान को कुछ ना हो जाए और मैं तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मुझे अभी और इसी वक्त उसे इस घर से निकालना होगा। यहाँ नहीं रह सकती। इतने दिनों से बेडशीट चेंज होने वाली थी, मेरे कहने का इंतजार मत किया करो, बस कर दिया करो। तुम मेरे कमरे में, मेरे घर में अभी तक क्या कर रही हो? दायमी मैं खबरदार जो किसी रिश्ते के नाम से मुझे पुकारा। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और अब रूहान का भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। दायमी ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूं मैं। बहू तो अपने साथ अच्छी किस्मत लेके आती है, खुशियां लेके आती है, लेकिन जिस दिन से तुमने मेरे घर में कदम रखा है मनहूसो, खुशियां चली गई, मेरा शौहर चला गया, अभी तक मेरे घर में खड़े क्यों हो तुम? मैं एक सेकंड तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। अब चलो निकलो मेरे घर से, चलो निकलो मेरे घर से मनहूस, निकलो निकलो। चलो चलो, आप कहां ले जा रही, छोड़े मुझे? चुप करके चलो, निकलो मेरे घर से, चलो चलो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मम्मी क्या हुआ? मैं ऐसे घर से निकाल रही हूँ, जब से ये मनहूस इस घर में आई है ना, हमें बस बर्बादी ही बर्बादी नजर आई है। इसे अभी और इसी वक्त तुम तलाक दो। तलाक? तलाक तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? अरे इसके आने से हमारा घर बर्बाद हो गया, बाप मर गया तुम्हारा, फैक्ट्री में आग लग गई है, घर तबाह हो चुका है। मम्मी इसमें हानिया के क्या कसूर है? ये तो जुनेद है ना, जुनेद की हमसे दुश्मनी हुई इसलिए हमारे हालात ऐसे हो गए हैं। जुनेद क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है ना क्योंकि इस लड़की के पीछे कर रहा है ना, यही फसाद की जड़ है। अरे जब तक ये यहाँ रहेगी ना, बर्बादी के दरवाजे खुलते रहेंगे हमारे लिए। बेटा खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे घर छोड़ा। ये देखिए आप गलत समझ रही हैं मामले को बिल्कुल। मैं गलत समझ रही हूँ? पागल तो नहीं हो गया तुम? तुम्हारे सामने है सब कुछ, निकालो इसे घर से। तुम नहीं निकालोगे तो मैं निकाल देती हूँ। चलो निकलो, आ जाओ।
छोड़ो इसका हाथ। मैं हानिया को घर छोड़ने से हालात बेहतर नहीं होंगे। माना कि घर बिखर गया है, हालात बहुत बुरे हैं, मगर इसे अकेला कसूरवार ठहराना कहां का इंसाफ है? इंसाफ? इंसाफ की बात करते हो? जो कुछ हम साथ के साथ हुए उसका इंसाफ कहां से आएगा बेटा? जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। इसकी वजह से मेरा घर तबाह हो चुका है, मेरा शौहर मर चुका है, हम बर्बाद हो चुके हैं। तुम्हें बताओ क्या हाल है बेटा? तुम इंसाफ दिलवाओगे अपनी माँ को? ये फैसला तुम पे छोड़ दो। तुम इंसाफ दिलवाओगे? वो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन अगर अपने घर चली जाऊं तो। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम इधर ही रहो। ताई अम्मी मुझसे नाराज हैं, मुझे देखकर उनके जख्म ताजा हो जाते हैं। अगर मैं कुछ देर उनसे दूर चली जाऊंगी तो। तुम्हारे दूर होने से तुम्हें लगता है कि उनके दिल और दिमाग की जो गलतफहमी वो दूर हो जाएगी? बेहतर यही है कि तुम यहीं रहो और उनकी गलतफहमी दूर करो। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरे से बात नहीं करना चाहती। मैं कैसे उनकी गलतफहमी दूर करूं? और वैसे भी उन्हें आपकी जरूरत है। आपके साथ रहेंगी तो उनका दर्द कम होगा। आप मुझे जाने दें प्लीज। हानिया प्लीज। बस करो, हानिया वो दुखी है, दुख के मारे उनके जो जी जाए वो बोले चली आ रही है। उनकी बातों के बारे में ज्यादा सोचो मत। हानिया देखो देखो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, मुझे इस टॉपिक पर अब मजीद बात नहीं करनी है।
क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक? हाँ ठीक है, बस ऐसे सर में दर्द हो रही थी। ब्लड प्रेशर चेक किया आपने? अरे ठीक है बेटा, कुछ नहीं होता। नहीं आप भी कमाल करती हैं, रोज ब्लड प्रेशर चेक नहीं करती हैं, दवा टाइम पे नहीं लेती हैं, तबीयत तो खराब होगी ना? अरे क्यों फिक्र कर रहा है, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। फरीन को बुलाता हूँ। फरीन, फरीन। अरे आ जाती है, तुम तो खाना खाओ। वो अम्मी का ब्लड प्रेशर चेक करना था। मैं चक्कर आ गया उसको। पानी पिला उसे। पानी पिया। हाँ हाँ जल्दी करो। क्या हो गया, कितनी देर लगा दी, पता नहीं अंदर क्या हो रहा। जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है, बल्कि वो उम्मीद से है। मुबारक हो बहुत आपको। क्या कहा, उम्मीद से? नसरीन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। ये खबर सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अरे उसने मेरी सुन ली। नसरीन अब तो तुम्हारा घर फूलों से महकने वाला है, इसी दिन का इंतजार था ना तुमको। अरे दादी बनने का कितना इंतजार था मुझे, शुक्र है मेरे अल्लाह का, उसने मेरी झोली भर दी। शुक्र अल्लाह का। क्या हुआ मैं? अरे तुझे बहुत मुबारक हो, बल्कि मुझे मुबारकबाद दे, दादी बनने वाली हूँ मैं और तू बाप बनने वाला है। अब खुश है? बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे दादी बनने का मौका दिया। अरे जाना, जाकर मिठाई लेकर पूरे हॉस्पिटल में बांटेंगे, सबका मुंह मीठा करवा। अभी दवाई पकने वाला। हाँ जल्दी जा, जल्दी जा। ऐसे नसरीन तुम्हारी खुशी से पता चल रहा है, असल से ना सूद पसंद होता है। अरे यही तो होता है, अरे दादी बनने की क्या खुशी होती है मैं तुझे नहीं बता सकती। अल्लाह से खुश रखे तुझे। दो हफ्ते? How is that possible? दो हफ्ते में इतनी बड़ी रकम किस तरह पे होगी? वकील साहब आपने कोर्ट में बताया नहीं कि फैक्ट्री की क्या सिचुएशन है फाइनेंशियली। हमने अपना पॉइंट समझाने की भरपूर कोशिश की रोहन साहब, पर फैसला उन्होंने मजदूरों और जल के मर जाने वालों के हक में किया है। हमें मजदूरों को फी कस 5 लाख और गरीबों को 2.5 लाख अदा करना है, वरना फैक्ट्री को ताला लगा दिया जाएगा और रकम नीलामी से अदा की जाएगी। यार इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाके दूंगा, कैसे होगा ये? फैक्ट्री की सिचुएशन तुम्हारे सामने है यार, प्रोडक्शन बंद है, जगह जगह हमारे पैसे फंसे हुए, किस तरह हुए ये सब, वो भी दो हफ्ते में। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि फैक्ट्री के अकाउंट में कितने पैसे हैं? सर कोई सब अकाउंट मिला के इसकी आधी रकम बनती है, जबकि आपने काफी सप्लायर से रकम अदा करने का वादा भी किया है। कासिम तुमने लोन लेने की बात की? जी लेकिन हालात देखते हुए कोई बैंक कोई इदारा लोन देने को तैयार नहीं, उल्टा रकम लेने वालों के फ़ोन पे फ़ोन आने लगे हैं। प्रोडक्शन शुरू होने में भी हमें कम से कम 3 महीने लगेंगे, अगर ऐसे ही पेमेंट चलती रही तो फैक्ट्री अकाउंट जल्द ख़त्म हो जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, फैक्ट्री के हालात बेहतर होने के बजाय बदतरीन होते चले जा रहे हैं।